नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज वित्त मंत्री ने 2023 का आखिरी पूर्ण बजट, जो बीजेपी का कहा जा रहा है, वो उसकी घोषणा कर दी है। कई सारी उम्मीदें जो आम लोगों की थी, उन उम्मीदों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ उन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मौजूद है अमित निगम जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अमित निगम जी बीपीएन फिन कैप के सीईओ डायरेक्टर है। आ, आ, तमाम जो उम्मीदें थी वो किस तरह से पूरी होती दिख रही है इस आम बजट में? क्या कुछ उम्मीदें थी और किस हिसाब से उस आम बजट में बातें पूरी हो रही है? तो सबसे पहले मेरा सर आपसे सवाल रहेगा कि युवाओं को लेकर काफी बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि युवाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ होगा। बजट की घोषणा हो चुकी है सर, क्या कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल युवाओं के लिए? देखिए, जो युवाओं के लिए जो सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बेनिफिट का दिया है, वो जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम जो है, जिससे करीब 47 लाख लोगों यूथ लोगों को फायदा होगा। इस स्कीम्स के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं कि जो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाएंगे, जिससे उनको जो भी उनको अप्रेंटिसशिप का पैसा मिलेगा वो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो बेनिफिट वो देने जा रहे हैं कि वो कई कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं इन कोडिंग, जो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एटसेट्रा। इस जो सेंटर्स या कोर्सेज जो डेवलप होंगे, क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है वो इन्हीं चीजों पे डेवलपमेंट है, कोडिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, एटसेट्रा है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि यूथ को जॉब मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। एक चीज और आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने कहा है कि जब से उन्होंने 150 के करीब मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं 147 वहां पे, हाँ, तो वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स उसी उनसे अटैच करके खोलेंगे। तो नर्सिंग होने से यूथ्स को ट्रेनिंग मिलेगी और काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सर, तो देखा जा पहला रहा है कि जो भी बातें यहाँ पर अभी सामने में आई, तो आपने भी कहा कि फ्यूचर जो होगा वो एजुकेशन का काफी ब्राइट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सारी कि अभी करंट में भी युवाओं को इससे कुछ लाभ मिलकर दिखेगा? नहीं, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो ऑलरेडी है गवर्नमेंट का, उसको और डेवलप करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि हॉस्पिटल ऑलरेडी ही आ चुके हैं, उनके साथ में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है और वही जो नर्सेस ट्रेन होंगी, उनको हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा एक चीज कि वर्ल्ड को जो ट्रेन नर्सेज हैं वो इंडिया की बहुत ज्यादा जाती है। तो जब ये सब डेवलपमेंट होगा या ऑलरेडी है उसको, और उसको जब स्ट्रेंथ करेंगे, तो 1-2 साल में मुझे लगता है कि काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स बढ़ेगी। सर, यहाँ पर ऑटो सेक्टर को भी काफी बूम मिल रहा है इस बजट में। क्या ऑटो सेक्टर के लिए इस बजट में क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको एक बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम या उसको प्रमोट करने जा रहे हैं कि जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाए, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट करेंगे कि ओल्ड जितनी उनकी गवर्नमेंट की ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाए, और जो एम्बुलेंसेस हैं जो पुरानी उनको भी स्क्रैप कर दिया जाए। तो देखिए, इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा, जब स्क्रैप हो जाएंगी पुरानी वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नई व्हीकल को खरीदेंगे। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट। दूसरा, वो इंडस्ट्री को जो साफ फ्यूल्स है उसको वो प्रमोट करने जा रहे हैं। आपने इस बजट में देखा होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी प्रमोशन के लिए दिया है,
और साथ में जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने बात कही है। इससे क्या होगा कि जो व्हीकल्स हैं ग्रीन जो व्हीकल्स हैं, इससे एक तो पॉल्यूशन कम होगा और हेल्दी बिहेवियर भी आएगा, प्लस रोड जो डेवलपमेंट होगा, जब रोड डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि लोग व्हीकल्स को काफी यूज करें। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्टली ऑटोमोबाइल को आप वैसे तो नहीं इम्पैक्ट करती, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो क्रेडिट जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है कि 7 लाख तक जो नए टैक्स रिजीम है इसमें टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा आएगा, तो वो भी व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा। सर अभी देखने को मिल रहा है कि ई व्हीकल को भी सरकार काफी प्रमोट कर रही है, बजट में भी प्रमोशन दिखा, जो सब्सिडी है वो भी जारी रहेगी इस पर, तो इससे ऑटो सेक्टर को कितना फायदा हो सकता है? आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट की शुरू से इन गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो बैटरी होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगा उसके लिए जो कैपिटल गुड्स लगेगा उसमें से उन्होंने ड्यूटी को हटा दिया है, तो इससे क्या होगा बैटरी की कॉस्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी कॉस्ट कम होगी, उससे क्या है लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इंकरेज होंगे बाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का वैसे भी इंडिया में आपने देखा होगा कि काफी धीरे ट्रेंड्स धीरे चल रहे हैं। हाँ ट्रेंड चल रहा है। सर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस बजट में कि एमएसएमई पर भी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, क्या घोषणाएं हैं और एमएसएमई को किस तरह से सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ावा दे रही है? देखिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो है किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए उसको होता है कि उसको क्रेडिट मिले, ठीक। तो जो उन्होंने 9,000 करोड़ का जो इन्फ्यूजन किया है क्रेडिट में इमरजेंसी क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि 1% जो उनका इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होने की बात हो रही है। तो 1% अगर रिड्यूस होगा उसके क्रेडिट में तो एमएसएमई में ग्रोथ होगा। एमएसएमई पे इस गवर्नमेंट का क्यों फोकस है कि जीडीपी का जो 30% है वो एसएमई से आता है, और करीब करीब 111 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो आपने जैसे पहले मुझसे पूछा था रोजगार, तो जब एमएसएमई को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी क्रेडिट पॉलिसी दे के तो उससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एक चीज आपने और यहां देखी होगी कि गवर्नमेंट का इस बार जो फोकस है वो टूरिज्म पे भी है। जी, टूरिज्म पर भी गवर्नमेंट सरकार ने की काफी घोषणाएं हाँ, रही तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको डेवलप करेंगे। जब आदमी डोमेस्टिक में घूमेगा और 50 उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उससे क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे होटल्स आते हैं ये मीडियम साइज के होटल आते हैं ये सब मीडियम स्केल में आता है इवेंट, तो उससे उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी और होटल इंडस्ट्री बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो सारी चीजें जो है वो रोजगार के इर्द गिर्द ही आकर घूम रही हैं। रोजगार है, हेल्थ केयर सेक्टर है, टूरिज्म पे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जिस तरह से अभी बूम कर रहा है उस हिसाब से सरकार की ये जो सब्सिडी का जो ऐलान है एक बार फिर से, तो इससे काफी फायदा मिलने वाला है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से बजट पर ऐलान हुआ और जो उम्मीदें थी, तो इन उम्मीदों में कहीं ना कहीं रोजगार जरूर था कि रोजगार की ओर सरकार का ध्यान जाए और युवाओं की बात सुनी जाए, तो युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला।
हालांकि यहाँ पर कई चीजें छूटी, लेकिन जो बातें कुल मिलाकर कही जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या फिर एमएसएमई की बात करें, तो हर तरफ से रोजगार को फोकस किया गया है। तो फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं प्रभात खबर से राजलक्ष्मी आप सभी को करती हूँ आदर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।